नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। बिहार का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ब्रिजेश यूपी के गाजीपुर में गिरफ्तार। गाजीपुर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार सरकार द्वारा 5000 का इनामी भगोड़ा हत्यारा ब्रिजेश राय पिछले कई महीनों से अपनी पहचान छिपाकर यहां रह रहा था। एसपी गाजीपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे असलहे के साथ मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि ये बिहार के आरा में हत्या और लूट की वारदातों में फरार चल रहा था। इसने 2017 में आरा में हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद जनवरी 2018 में इसने अपने ही गाँव के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और फरार चल रहा था। इस हत्याकांड की मुख्य बात यह थी कि इस हत्याकांड के बाद आक्रोशित लोगों ने आरा के शाहपुर थाने को जला दिया था। इसके बाद बिहार पुलिस ने इसके ऊपर 5000 रुपए का इनाम भी रखा था। गाजीपुर जिले की पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर इसे करीमुद्दीनपुर थाने के जोगा मुसाहिब गांव से गिरफ्तार किया। यहां पर वह अपने रिश्तेदार के यहां पहचान बदल कर रह रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस ने पूछताछ के बाद सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया है। जो अपराधी पकड़ा गया उसका नाम है ब्रिजेश राय, यह बिहार के रहने वाला है। आरा जनपद में इसने दो हत्या किए थे, एक 2017 में और एक जनवरी 2018 में। ये उस जनपद से 5000 रुपए का इनामी भी था। मुखबिर की सूचना में इसको करीमुद्दीन पुलिस ने थाना करीमुद्दीन पुलिस ने पकड़ लिया है। अब इसको भेजा जा रहा है जुडिशियल कस्टडी में। नहीं, हमारे जनपद में इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन हमारे जनपद के एक और क्रिमिनल है जो इनके रिश्तेदार है, उसका नाम अमित कुमार है, जोगा का रहने वाला है अमित राय, वो भी फिलहाल जेल में है। और इस मर्डर में जो ब्रिजेश राय है उसका भी, उसने अमित राय ने सहयोग किया था, उसका भी बिहार पुलिस द्वारा रिमांड लिया जाएगा।